الرحمن الرحيم ناد علي مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 الهي اهتمام مجلس قبول فرما بانیان مجلس سادات عزام دے خدایا رزق وچ مال جان اولاد وچ برکت عطا فرما اس مقدس و عظیم عبادت دا ثواب حق سیدہ سادات دے جملہ مرحومین تک پہنچا بالخصوص مرحوم و مغفور سید ہدایت علی شادی قبر نور ولایت نال مزید منور فرما درجات بلند فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما دور قریب تو جتنے مقانی عزادار مہمان سرکار سید الشہداء دے خدایا دامن وچ دعاواں لے کے آئے فرزند زہرا دی عظیم بارگاہ چوں کسے محتاج نو خالی نہ کر میرا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما بے وارثاں نو وارث عزا اولاد عطا فرما جنہاں نو دتی نی الہی زندگی سلامتی و درازی عمر عطا فرما میرے اللہ میرے وطن دی حفاظت فرما مہلک امراض کو اہل سلام بالخصوص شیعان جہان و محفوظ فرما دشمنان سیدان و تباہ و برباد فرما میرے اللہ سر خاتمہ بالخیر فرما بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام قائم دجلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات باجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ أجرا إلا المودة في القربى صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ سادات عزام بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان اس وقت پوری دنیا تے ماہ و سن دا حساب ترے طریقے نال لایا جا رہا ہے یعنی پوری دنیا تے کیلنڈر ترے قسم دے چل رہے جنہاں تو بندے دن مہینے اور سال دا حساب رکھ دے نے ترے قسم دے کیلنڈر ایک بکرمی ایک عیسوی ایک ہجری یا میں اس کو آسان کراں جیٹھ ہاڑ بھادو ساون یہ بکرمی نے جنوری فروری مارچ اپریل یہ عیسوی نے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی ہجری اگر اجی توجہ نہیں ہوئی تو مطلب پھر آکھاں جیٹھ ہاڑ بکرمی دا تعلق ہندوؤں نال ہے فروری مارچ عیسوی دے تعلق کرسچین عیسائیاں نال ہجری محرم سفر اس دا تعلق مسلمان اسی جتنے مسلمان ہاں ساڑھے سال دی ابتدا جنوری فروری کو نہیں اسی چاہے سنی ہاں چاہے شیعہ ہاں تراویح والے ہاں چاہے ماتم والے ہاں ساڑھے سال دی ابتدا جنوری تو نہیں محرم اج جڑی قابل توجہ بات ہے کہ ترے قسم دے کیلنڈر اج تک اولاد آدم اس دنیا تے بنائے نے بکرمی عیسوی ہجری جیٹھ ہاڑ جنوری فروری محرم سفر میں پورے وسوک نال آکھ رہا ترے قسم دے کیلنڈر بنائے نے انسان ٹل لایا ہے نہ بکرمی تیرواں مہینہ بنا سکے نہ Allah 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 Allah
ईसाई 13वां महीना बना सके ना मुसलमान, ना 11 ने ना 13, विक्रमी महीने भी 12 ने, ईसवी महीने भी 12 ने, हिजरी महीने कमरी ये भी 12। इदा मतलब इंसान समझे ना समझे तिल ला ले इस तू चोखा पड़ जा अल्लाह खेड़ 12 को ले खेड़ अल्लाह दी कायनात दी मेरे अल्लाह ने 12 दिया तू विक्रमी मन तू ईसवी मन तू हिजरी मन है तू 12 दे माता असी जिहड़े मुसलमान हाँ साढ़े साल की इब्तदा जनवरी फरवरी तो नहीं मुहर्रम और सफर यानी इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है आखिरी महीना ज़िलहज मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी रजब शबान रमजान शबान ज़िकात ज़िलहज पहला महीना इस्लामी साल का मुहर्रम है आखिरी महीना इस्लामी साल का ज़िलहज बहुत तवज्जो करना बिलखसूस मेरे लिए सुनन भाई ये दो महीने दो नबियों के बेटे नाल मनसूब ने पहला जनवरी मुहर्रम भी आखिरी ज़िलहज ये दो महीने दो नबियों के बेटे नाल मनसूब इन दोवें महीनों च निस्बत दोवें नबियों के बेटे नाल ये मुहर्रम की निस्बत मुस्तफा के बेटे नाल ज़िलहज की निस्बत जनाब इब्राहिम के बेटे चूंकि अबनाना व अबनाकुम आया मुबाहला के बाद हुसैन अली का बेटा नहीं यबना रसूल बहुत शुक्रिया ये दो महीने दो नबियों के बेटे नाल मुहर्रम भी ज़िलहज इन दो महीने च इन दो नबियों के बेटियां एक मुश्तरका अमल किया है जिसका नाम है कुर्बानी यानी इस्लामी साल का पहला महीना भी कुर्बानी का है आखिरी महीना भी इन दो महीनों च इन दो कुर्बानियों की याद मनाई जाती है सुन्नी रोश यारो हथ बन कोल तेरे फिरके नाल वैसने अल्लाह ने साल की इब्तदा भी कुर्बानी की याद तो रखी है साल की इंतहा भी एक कुर्बानी की याद ज़िलहज भी गुजरे वाके दौरान का ना है मुहर्रम भी गुजरे वाके दौरान का और अजीब इतफाक है कि इन दो नबियों के दोवे बेटिया दोवे कुर्बानियां दो महीनों की 10 तारीख को मुहर्रम वाली कुर्बानी भी 10 तारीख में ज़िलहज वाली कुर्बानी भी जिंदगी सेहत ना 10 ज़िलहज दोवे कुर्बानियां दो महीने की 10 तारीख अच्छा दोवे कुर्बानियां मैदान में ज़िलहज वाली कुर्बानी में मैदान में ताईद फरमाना भाई ज़िलहज वाली कुर्बानी में मैदान में मुहर्रम वाली कुर्बानी में मैदान वो भी मैदान में ये मैदान वो मैदान में ना विच ये मैदान ही करबला है दोवे कुर्बानियां गर्मी चले मैदान गर्मी और दोवें कुर्बानियों एक एक नबी का बेटा शामिल और इन दोवें कुर्बानियों की यादा कयामत दीन इस्लाम मैं चैलेंज कर रहा कैमरा मेरी मेरी आवाज़ महफूज कर रहा मेरा चैलेंज इन दोवें वाकियों की याद तारीख इंसानियत बार बार दोहराई जाए ज़िलहज वाली कुर्बानी की भी याद बार बार है मुहर्रम वाली कुर्बानी की भी याद बार बार और एक अजीब इतफाक है कि अल्लाह ने इन दो नबियों नाल ही साडा तल्लक रखे बाकी अंबिया ते ईमान एहतराम है सलाम किसी नबी दे सी मुनकर नहीं लेकिन तल्लक वरतन लैण दे इन दो नबियों या इस्माइल दे बाबे नाल या हुसैन दे नाल एक दी असी मिल्लत हां
इस्माइल दे बाबे दी असी मिलत आ, हुसैन दे नाने दी असी उम्मत। मेरा अल्लाह बाकी भी नबी तेरे ने बाकी भी मासूम ने तल्लक इन्हां दो नाल क्यों रखी? फरमा मैं तेरा मेकर हाँ, मैं तेरा खालिक हाँ, मैं तेरी नेचर जानना, तू तल्लक वेखना है सफर नहीं वेखना, तू पेंडा नहीं वेखता, तल्लक देखना। तल्लक है सतवें जिले फातिया से टुर गए, तल्लक नहीं तो परोस ही फूली उ नहीं गया। इहदा मतलब है फातिया मकसद नहीं, गड्डी स्पेशल करा के लाहौर क्यों फातिया ते गए हो? ऐसे चक्के च फौत की थे यार ने, उन्होंने आख्या जी शाह जी फातिया नहीं वेखी दी, तल्लक देखी। दो नबियां नाल अल्लाह तेरा तल्लक बनाया, चेहरे वेखांगा मैं कौन कित्थे पहुंचे, मैदाने माशरा मेना दलाल सजदे मुंह ते मार के पुछेगा जिहदी मिल्लत है उहदा तल्लक बचाण वास्ते मक्का मीना विद फैमिली लैके टुर गए। मेरा मिल्लत अल्लाह तल्लक बचे, मेरा उम्मती आए मेरे पुत्र की मजलस तेरे चाकी च आउंदी उत्थे तल्लक बचे। जी तल्लक के मिल्लत वालों का कल उन्हें पूछना है पैसे भी आने थे साढ़ा हज क्यों नहीं किया? रसूल नहीं मैदान माशर पूछे, मेरा तो उम्मत ही है, तल्लक मेरा वड्डा ही है मिल्लत वालों का। फूड़ी वेखी दिए तल्लक वेखी दे, मजहब नहीं वेखी। शिया के घर फोत की सुनी जाके क्यों फातिया? मोया मातमी है त्रावी वाले फातिया पे, फोतगी मातमिया की त्रावी वाले पे दो। मैदान माशा रसूल अल्लाह नहीं पुछेंगे अपने पिंड फातिया से जान लग गया तो तल्लक नहीं मजहब नहीं वेदा। सुनिया की कुड़ी तो शिया की कुड़ी तो सुनी कभी पिंड के फातिया से भी जान लग गया मौलवी को पीछे मैं शिया फाते आखा मैं जाना की जवाब देगा रसूल? मैं अपने पुत्र का तो तलक देखे तेरा तो फिर पुत्र मेरा लगता ही कुछ नहीं। चलो मातम इशूए ना करो, रसूल के पुत्र की मजलस पूड़ी ते आओ ना, ये फूड़ी पीर अपने पुत्र की नहीं पाई रसूल दे पुत्र मजलस ए हुसैन, ये हुसैन शिया सुनिया का पुत्र नहीं, तेरा रसूल फरमा रहे हुसैन मिलनी। मातम ना कर अपने नबी का तल्लक ते वेख। ये दो नबियां दे बेटियां दी यादां कियामत तक असी मजलस कराने हो कि पिटा कोटी लाई इन्हों में लभदा कि माह माली मकाम शहीद हो गए, उन्होंने रुतबा शहादत मिले इन्हें इतने रोन पिटन लाए, और कोई दो दो सपारे पढ़ो चार चार नफर इमाम हुसैन बख्शो। ठीक है असी करबला बख्शना शुरू करने, तू सफा मरवा छड़ के उ शबीना कराना, तेरे भजन का हाजरन के फायदा? बोलो मेरे नाल वैसे भी बख्शिश का असूल है बख्शी का उसमें ही जरा गुनागार हो कहना नौज बिल्ला गुना है रसूल के पुत्र जरा तेरे मेरे पढ़ने नाल बख्शी जाए इन्ना जी। वो पुराना वाक्य तो मीना करबला तू पहले दा होया वो चौखा पुराना है, तू मीना छड़ असी करबला छड़ने। ये दो नबियां दे वाकियात दोहराना कयामत तक मुसलमान ते वाजिब, फर्क सिर्फ इतना है मीना लियां दा वाकया दोहराना वाजिब है, करबला लियां दा वाकया दोहराना अजर। बंदे नहीं बोले मैं याद पढ़ देना मीना लिया वाक्य की याद मनाने वास्ते बाबा जी की हुक्म है कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। करबला लिया वाक्य दोहराने वास्ते कुरान च एक हुक्म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। हुण आसान हो जाएगी बात, मीना आलियां दे वाक्य दी याद दौरान दा नाम हज, करबला आलियां दे वाक्य दी दौरान दा नाम अजादारी। हज तेरे ते वाजिब है, अजादारी अलैहि अजरन तेरे ते अजर है, वाजिब की है अजर की है। हुण नहीं बोलोगे तो हुण तकलीफ है। मीना आलियां दा हज वाजिब है सिर्फ अमीरां ते, गरीबां नूं छुट्टी है।
करबलाल मेहनत इतनी की थी, मिनाल दी याद वाजब है, करबलाल दी अजादारी वाजब नहीं, अजर है। अजर च ना अमीर नू छुट्टी है, ना गरीब नू छुट्टी, ना सुन्नी नू ना शिया नू किसे नू। बस मैं बयान करता मैं करी मैं अपनी मंजिल जी रज़ी निकल के उठन से पहुंचा। अच्छा सवाल लख जो दुरूद शरीफ ही लगवा नबियां थे या इब्राहिम आल इब्राहिम थे या मोहम्मद वाले, बाकी भी नबी ने, बाकी थे दुरूद क्यों नहीं? एक भी नबी नहीं जरा सी सुन्नी शिया लड़ के बनाया, अल्लाह ही बनाया मालिक, बाकी भी तो तू बनाए ने, दुरूद इन्हें क्यों पढ़वा रहे हैं? اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم چون کے دعا تے مالک درود کیوں فرمائے درود ہوندے ہیں قربانی تے انسان کول پتر تو وڈی قربانی کوئی نہیں میرے کول درود تو وڈا انعام انہوں میرے رستے چ برسرے میدان پتر کر نصیبا کرا دیتے نے میں انہاں تے درود بھیج دیتے تسی پڑھیا کرو میں آپ بھی پڑھوں ان اللہ میں مطلب درود پتر دیتے ہیں لبتے نے اچھا بول کے حسینیت حسینیت یزیدیت دونوں بلند کر کے آخری ماتمی تک باواز بلند نعرہ درود شریف بھی انہیں ہی دعا نبی ہیں اچھا انبیاء سارے مہمان نواز نے سوا لکھ نبیوں چوں ڈیرے دار نبی جناب ابراہیم دست ڈیرے دار کی سنا دیو جی مم کی وڈی ہو جی مربے زیادہ ہو ڈیرے دار ان وقت ہے جی ال گیا پرانا خالی نہ جناب ابراہیم اتنے مہمان نواز نے کہ دو دو دن مہمان نہیں آئے تو کھانے نہیں کھا اور ترے کام میرے امام دا فرمان ہے ساڈا مومن شیعہ کلیا نہ کرے لمبا سفر تنہائی نہ کرے کوئی سنگتی نال رات ایک کمرے تنہا نہ سوئے کوئی دوست سنگتی نال تیسرا کم مولا فرمے دن ساڈا مومن شیعہ کلیاں کھانا نہ کھائے جی امام دفعہ مہمان دروازے تے آگئے تے اس تو نہ بوئے بند کریں میرے اندھے کھوان دا ٹکر کوئی نہیں یا علی دی قسم ہے مہمان بوئے تے آرے اپنا رزق پہلے تیرے گھر بیٹھا برحال یہ بغیر مہمان دے کھانا نہیں کھان دے جناب ابراہیم علیہ السلام ترے ترے دن کھانا نہیں کھانا چاہ کے چلو سے یار کو یاوے بندہ کھائے جیڑا بندہ ڈیرے دار دی واقفیت زیادہ جیڑا چاہ پانی حکا چوبی گھنٹے تازہ رکھ دے وہ دی واقفیت آن جان والے بندے نو کھانا چھانا کھاندے وہ دیاں یارانے جناب ابراہیم دے بڑے یارانے فیصلہ ہوں تو آپ کرنے میں تے جرا کرنے جج تو بن رہے اپنا فیصلہ خود کر لے ایڈا وڈا ڈیرے دار نبی ہے جناب ابراہیم دے یار سنگتی فرینڈ دوست بہت زیادہ رکھ مولوی سر تے قرآن ایڈے یار آلے نبی تے درود صرف ابراہیم آل ابراہیم تے ابراہیم دے یاراں تے نہیں ہوتا ابراہیم دے یار بہت ہوں یہ مطلب ہے درود یا نبی تے یا نبی دے یار نبی دے یاراں تے درود اچھا میں مقام اے دو نبیاں دے بیٹیاں دی قربانیاں ایک ایک جانور دس ذل حج علی قربانی وچ بھی جانور دس محرم علی قربانی وچ بھی منا دی قربانی وچ بھی جانور ہے کربلا علی قربانی وچ بھی جانور منا لے دی قربانی جڑا جانور ہے اس دا نام بکرا یا دمبا ہے
करवला लैंड कुर्बानी जरा जानवर ना घोड़ा या सोजे ना दुम्बे की नस्बत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे ना है जुलजना की नस्बत रसूल अल्लाह के बेटे जिथों मैं गलत हाँ मैं रोक दो टोक दो शाह गलत मैं तो घंटे का मेहमान हाँ मैं चला जाऊँगा तुम कितने रहो ना मजलस हुसैन के बाद तुम अथी पवो तो फिर मजलस नहीं मजलस हुसैन के बाद सुनी शी एक दूजे करीब कर एक दूजे गल ला तो फिर मजलस नफरत वधाण का ना मजलस नहीं नफरत मुकाण का अगर मैं रॉन्ग हाँ प्लीज मैं रोक दो टोक दो सैयद मैं अपने घर जाकिर मैं इमाम बहुत मेहरबानी दो नबिया के दोवे वाकया कुर्बानियां एक एक जानवर अच्छा फिर जनाबे इस्माइल और जनाबे हुसैन के दोवे जानवर दुम्बा और जुलजना इन दोवें नबिया के दोवें बेटिया के जानवर दियाँ अजकल असल नहीं नकल नकल अरबी शबी आ शबी या इब्राहिम अलैहि सलाम दे बेटे इस्माइल दे जानवर दी शबी या रसूल अल्लाह दे बेटे हुसैन दे जुलजना दी इन्हां दोवां नबियां दे जानवरां दीआं शबियां मुसलमान बणांदे तुसीं हैरान हो गए हो बंदे समझदे ने सिर्फ शिया शबी बणांदे सारे बणांदे असी जनाब तांदली आंदे जुल जना लिया के अंदर वाड़ के रंग शंग ला के बाहर कड़ के आए वेखो तांदलू लैंदे करबला ले लिया असल ते मौलवी जी जरा लेला दुम्बा बकरा छतरा तू घर रखे है तेरे को मिना लिया तू ही बकरा मंडी तू पलीज लैके आई तू ही जानवर तू बिस्मिल्लाह पाक शिया सुरख रंग लाए है इमाम हुसैन दे जुलजना दी शबी सुनिया सत रंग लाए ने जनाब इस्माइल दे दुंबे दी शबी इन्ना आयात कुरानी लिखी उत्ते चादर पाई अपना वाली मूचा करांगे मैं लेकिन चलो कितनी देर में पढ़ना फर्क सिर्फ इतने तेरे को मिल्लत आलियां दे बेटे दी शबी है इन्ना कोल उम्मत आलियां दे बेटे दी शबी फर्क सिर्फ इतना है 1400 साल शिया इमाम हुसैन दे जुलजना दी जिन्स नहीं बदली जी शुक्रिया इन्ना को छबी है उन्हों को तेरे को मिलत आई इन्ना को उम्मत आई इन्ना एहतियात की 1400 साल शी तारीख का मैं जामे गरंटे शिया छोटा पिंड है वड्डा शहर है पाकिस्तान है ईरान है एशिया है यूरोप है जिथे भी छबी कदी है इन्ना घोड़े तो घोड़े इन्ना कदी घोड़े की छबी नहीं बना इन्ना कदी घोड़ा नहीं लगा गाँव तो कपड़ा पा उठ तो कपड़ा पाया छबी जुलजना दी फिर मेहरबानी करी थोड़ा जा हाथ थोड़ा रख के अपनी जमीर की तनहाई जाके सोची इन्ना 1400 साल जिनस भी नहीं बदली तो तू हाल हाल पाई तू तो मिना लेंदे दुम्बे दियाँ कई जिनसा बदली उत्थे दुम्बे इत्थे गां
उथे दुंबे इथे कटा, उथे दुंबे इथे उठ बन गए। फैसला तेरे ते रह गया। अच्छा हैन दोवे शबियां दो नबियां दे बेटियां दियां। मैं हैरान हां मुसलमान तेरी मेंटेलिटी ते। मिनाल आंदे दुंबे दी शबी त्रै महीने तेरे वेड़े बजी रही है, तेरे निकाह नूं कुछ नहीं होया। मेहरबानी करबला आंदे सुलझना दी शबी गली चो निकली है, तेरा निकाह टूट गया। क्यों? अगर शबी नूं वेख के टुटदा है ते मिनाल दे दुंबे दी शबी नूं वेख के क्यों नहीं टुटिया? ये तेरा निकाह कैसा टेक्निकल है? उन्हें केड़ा पता लग जाता है मिनाल दी शबी लंघे तो नहीं टुटना, करबला दी लंघे तो फिर टुट जाए। एक सैंसी निकाह है तेरा, के कंप्यूटर आज निकाह है तेरा, वाईफाई निकाह है तेरा। इंसान का निकाह वैसे जानवर वेख के नहीं टुटता, जानवर चो नजस तरीन एन नजस जानवर दो, कुत्ता खिंजी, ये दो जानवर पलीतों विचों चुके पलीत। इन्हों हथ भी लाओ तो बंदा नापाक, हाथ धोना पाता। घोड़ा नजसुल एन नहीं, बल्कि मैं इशारा करा कुछ बुजुर्गान खांदे भी रहे। अगर शबी नूं वेख के टुटद है तो फिर जनाब इब्राहिम दे बेटे दी शबी नूं वेख के क्यों नहीं टुटी? मैदान माशर रसूलुल्लाह नहीं पुछणगे मिलत की दी है जी? इस्माइल दे बाबे दी उम्मत या रसूल तुहाडी, तो मेरा नबी पूछेगा नहीं तेनों? जिन्हां दी मिलत आए उन्हां दा दुंबा तेरे वेड़े बजा रहे, उहदी शबी नाल ते नहीं टुटिया। मेरा उम्मती जो कि मेरे पुत्र दे हुसैन दे घोड़े नूं वेख के तेरा निकाह क्यों कटा? इन्हां बातां दा जवाब नहीं आया। और यही मजलस है, असी सोटे नहीं मारते, जाकर मिंबर ते खलो के बम ब्लास्ट नहीं करना। मजलस क्यों डकदे ने बंदे? ना होवे ना होवे पता लग जाएगा आप की ये बात है। इत्थे शऊर बेदार किया जाता है, इत्थे फिरका वरीयत नहीं फैलाई जाती, इत्थे इंसान दे शऊर दे दरवाजे ते दस्तक दी जाए। इसे वास्ते जोश मली आबादी आखे ना इंसान को बेदार धो ले। बेदारी का नाम मजलिस ए हुसैन। आओ दो नबियां नाल तलक ही ते अपना तलक बचाओ, अपना मजहब अपना फिरका अपना मौलवी ना वेख। ये वेख मजलिस किहदे पुत्र दी? शीयां दे पुत्र दी जिहनूं टको, सुनियां दे बेटे दी ते पाबंदी लाओ। ते जे मजलिस है ही तेरे रसूल दे बेटे, फिर यहाँ के साइड इफेक्ट का सी मजलस हो तो उस पिंड बर्बादी आ जाती, अजाब खुदा का नाजल हो जाता, घोड़ा नहीं लंघन देना जी, गलियां पटी जा जी, घर डिग पाते हैं, साइड इफेक्ट की नहीं मिलता। मजलस गाने नहीं गाते, मजलस शराब नहीं पीते, मजलस किसी की इज्जत नहीं। तुम मजलूमीयत वेखो फरजंदे ज़हरा बंदियां, कुत्तियां दी बेड़ी करानी है तो इजाजत की जरूरत नहीं, कंजर नचाने ने कोई जरूरत नहीं, लाइटा लाओ अपने वेड़े कंजर नचाओ, महफल मौसीकी करनी, हुसैन की मजलिस नहीं कर सकते। की जवाब हो? असी दुनिया तो दौलत नहीं मंगी, असी दुनिया क्यों? सिर्फ इजाजत मंगी, सानू उन्हां नूं रोण दिओ जिन्हां नूं रोण वाला हाई पे। ये रोना ये हसरत है उस बहन की जी बेरावान दाशा तो चुप। मैं हिम्मत नाल खफ पढ़ लिया एक जुमला मुसैब दफ सादात अल्लाबाद रखे अम्मा हुसैन की मजीद करो बीबी पाक अपने पुत्रों के अजादारा ते रहम फरमा, मेरा मुल्क नहीं मुतम्मल बीबी पाक असी नहीं अफोर्ड कर सकते, इस मरज तो मेहरबानी फरमा। तेरे पुत्र लाजपाल तू लाजपाल की मां गुनाहगार सी असी खतागार, तुहाडे सिवा कोई भी नहीं बीबी ना सरों पैरों नंगे सिर्फ तेरे दरवाजे तक।
नवे सहारियां दा सैयदा सहारा बने, बीमारां नूं सैयदा अपने पुत्र दा सदका शिफा अता फरमा, मोमिनीन भी मरीज ने, मुसलमान काफी मरीज ने, सैयदा अपने पुत्रां दा सदका करम कर, असी तेरे इम्तिहान दे काबिल ही नहीं, एक झटका भी साडे वास्ते। अज 16 रमजान है, 3 दिन दे बाद अली दियां धीआं दे यतीमी, उहदे बाद लोग ईदां दियां तैयारियां करनगे। इको कौम शी है जिहड़ी अपनियां खुशियां मुलतवी कर देगी अली दियां धीआं दे यतीमी, मुसलमान ईदां दियां शॉपिंगां करनगे, मेरी कौम तलाश करेगी कित्थे हुसैन दी महल। मैं सदके होवां, 38 या 37 हिजरी है, मौला मुत्तकियान ज़हरी खिलाफत मदीने तो दारुल खिलाफा कूफे मुंतकिल किया, इत्थे मकान बनाया जिहड़ा अज भी दारे अमीर दे नाम नाल ज़हरीन दी ज़ियारत। मकान बन बैठा तो सुबह फजर की नमाज पढ़ के दरबार कुर्सी इमामत लगी इसे मकान कूफे, अली अपने पुत्रों की किताब सामने कर फरमा, मेरे पुत्र और ना गल सुनो, काफ़ी दिन तू कूफे दियाँ औरतं मैं दरखास्त पेश कर रही ने, या अली असं घर जाने ना तो साढ़े मर्द साढ़े सामने फख्र करते, कोई आता मैं हसन तो कुरान पढ़िया, कोई आता मैं हुसैन तो कुरान, कोई आता मैं जनाब अबुल फजल अब्बास तो कुरान, या अली साढ़े दिल में खिफत महसूस हो, असं भी कभी फख्र करिए, करम करो ना या अली अपन धीं बुलाओ ना कूफे, असि मैं थोड़िया धीं तो दीन सीखना चाहिए। गल्लां करते करते अली फरमाते मेरा दिल ले जाओ मेरिया धीं मदीने तो कूफे ला, एक गल करके पुत्रां दी कतार चो अब्बास दे चेहरे ते अली दी नज़र पई, ए हालत जनाब, चेहरा सुरख जलाल लेकिन बाबे दे सामने जुरत नहीं। अली खुद उठे ने पुत्र दे मोंडे ते हथ रख के दिन मैं जानना तू मेरे जलाल दा मजहर। अब्बास जरा हौसले नाल गल सुनी, दुनिया दौलत मेरी तली ते रख दी मैं ठोकर मार देना, मैं कभी अपनी धी का कदम गली च बर्दाश्त न कर, दीन की खातर मेरिया धीं कल भी टुरना, दीन की खातर मेरिया धीं अज भी टुरना, दीन की खातर जाओ, आज तुसी जिंदा हो ना अपनिया बहनों अपने घर च लियाओ। अब्बास जी बाबा फरमाए बेटा तू मेरा पुत्र है, हसन हुसैन मुबाला दे बाद रसूल दे पुत्र, मेरा माण तू है मेरा जोर तू, मदीने तो लैके कूफे तक ये तुहाडा पहला सफर है तुहाडियां बहनां दा, पर ते च कोई कमी रह गई तो बस मैं तेन माफ नहीं करा, जाना तुहाडी मर्जी नाल है, सफर दिन नूं करो रात नूं, वापसी ते तुहाडी मर्जी दा सफर नहीं मेरिया धीआं दी मर्जी दा सफर, जिथे मेरिया धीआं आखण सी थक पईआं दूजा कदम भी नहीं चला, सफर करना है आबादियों तो बार बार जंगलों च, जेले मेरिया धीं ने जाके दसोगे तुहाडा बाबा बुला रहा है, यकीनन मेरिया धीं ने मैं उन्होंने मिजाज जानना मेरी धीन कार नहीं करेगी, जेले अमाद सफर हो जाए सफर शुरू कर, पूरे मदीने के बाजार बंद आओ, अब्बास तेरे हथ मंगी तलवार हो, अल हिजाब दावा तथीर के परद थोड़िया तलवारा बेनियाम आओ, थोड़िया तलवारों दावों में मेरिया धीं मामला, जेले मदीने निकलो अनफिया जी बाबा फर मैं तेरा घोड़ा मेरिया धीं तू 3 मील पिछे हो, बस ऐसे मुसाफर जिन्हें जल्दी आँगी अगले सफर मंजिल से पहुँचाने, पहले उन्होंने समझ आई मैं अली का पुत्र हाँ, मेहरबानी करो जल्दी इत रस्ता बदलो, तो जो कोई फिर भी जिद करे मैं अली इमामत वाले इख्तियार तेन इख्तियार दे रहा, तलवार नाल समझ आई उन्होंने, गैरत मेरी गवारा नहीं कर किसे गैर मारन की सवारी मेरी धी दे महमल दे कोल मिल गई, अब्बास तेरा घोड़ा मेरिया धीं महमल तू 3 मील लगे हुए, इको ही आवाज देनी अल हिजाब अल हिजाब, परिंदियां दरख्तों तो उड़ा दई कोई पक्षी भी मेरी धी का महमल ना देखे, हसन हुसैन जी बाबा तुलसी रसूल के पुत्र हो तुहाडी ड्यूटी सौखी है, तुहाडे घोड़े मेरिया धीं महमलों के सजे खड़े रहे, वक्फे वक्फे नाल पुछ दिया वे धी अली की थकते नहीं पई, जिथे आखे थक पई उ महमल रोक, जिसले आ जाओगे कूफे दे बार अब्बास काफिला रोक देना है, मैं ना के दसना है फिर मैं जाना मेरी धी जाना, बाबे दे हुक्म दे तहत बेरा मदीने पहुंचे,
बाहर के मुल्क तो एक फेरा बहना का आवे ना तो बहना की बाबा जी खुशियां दे इंतहा होंगे तो जिद एक टाइम ही 16 फेरा आ जाए। सैयदादी मदीने वेड़े कुर्सियां लवाइया एक एक विराह दी सदके दी माशाल्लाह पढ़िया रो पई तो रो के आखन लगी आए तो बाद कट्ठिया नहीं जुड़ इतने हाशमी एडे सोने कट्ठे जुड़ते हो दुनिया दी नजर खा जाने ना कट्ठे तुरिया चलो तुम दुनिया में नहीं बचते। ये बाद फरमाए की हाल है बाबे का फरमाए दिन बाबा ठीक ने बाबा प्यादे ने अगर मेरी धी मिजाज हो एक बार मेरे वसदे वे खूफी हो गए पर मैं बाबे आखे तो मैं तैयार हाँ। तीसरे दिन तैयारी शुरू हुई आलिया उठी बेराव गया कतारा ने साए तुरी जुमले ये रोन वास्ते वेड़े तो बार कदम रखे तो अगे मामल बैठे हाँ जेडे माँ की झोली तुशी आओ तुम समझ आओगे मैं सुनी भाइयों समझाव पहली बारी आलिया महमल वेखे महमल के कोल खलो क्या दी अब्बास ए कि शायद बोलो शबीर बोल क्या दिन आज ना पूछे यारा मुहर्रम पूछी ओ मैं सदके आवा ये उठे उत्ते कचावे ने उत्ते महमल ने इस टाइम मस्तूर शरीफ जादी वास्ते इस तो सोनी सवारी कोई नहीं महमल ने परदा भेरा हटाया जानो भेरामा चुकाए अली दियां कदम रखे महमल उत्ते बैठियां सफर शुरू हो गए मुख्तलिफ भेरा मुख्तलिफ ड्यूटियां ते दिन नूं आराम हुंदा ही रात दे अंधेरे सफर हुंदा ही सफर थोड़ा जिहा कीता ते हसन मामल दे नज़दीक घोड़ा लै गए अमन दी जाई मैं हसन नाल पुछण आया थक ते नहीं पई आलिया फरमेंदे ने भी सफर शुरू रखो कुछ देर दे बाद हुसैन ड्यूटी समझ के करीब गए आलिया मैं हुसैन हाँ पुछण आया थक ते नहीं पई जरा जमी हुसैन दियाँ भैन रोन वास्ते हसन पुछे ते आलिया बोली हुसैन पुछे जैनब नहीं बोली दूजी बारी फिर हसन पुछे आलिया बोली दूजी बारी हुसैन पुछे हूँ नहीं बोली तो हूँ रुन नहीं छबी फिर जरो क्या दी मर वैसी है एक बारी बोल महमल का पर्दा हटा क्या दी नेड़े आ रुन्ना क्यों है रो कह दिन आज पता लग गया ओ अमीर है मैं गरीब हूँ अमीरा नाल बोल दियो गरीबा नाल नहीं फरमाया गल अमीरी दी नहीं बहना वास्ते सारे को जे हो मेरा दिल आज हसन पुछता जाए थकते नहीं पई यारा मुहर्रम करबला तू तुरा फिर तू पुछी ज़ैनब थकते काफला शहजादियां दा कूफे दे बार पहुंचा बाबे दे हुक्म दे तहत अबल फजल लब्बास आए मस्जिद कूफे च मौले मुत्तकियान बैठे ने कदमां ते हथ ला के दिन बाबा मुबारक होवे दियां आ गईं आने वहदे चली कदी ना भजण आला अज अली भज पे कदी ना दौड़न आला अली अज दौड़िया मुरखी लिखदे ने मौले मुत्तकियान दियां अज ना लैन भी नहीं जिवें मुसले तू दौड़े दौड़ पे आने वहदे चली दारुल लमारा दी तीसरी छत्ते आए कूफे दी सब तो उच्ची बिल्डिंग है उत्ते खलो के अली तलवार पे नियाम की थी आज अल्लाह दे जलाल नु जलाल पूरी जलाल ही चले पे बोल रहे कूफे वालो मैं अल्लाह दा उलल अमर अलिया खबरदार जब तक मैं दूजा ऐलान ना करा कूफे आलिया तेरा बच्चा भी गली च ना आवे तेरे शहर च मेरी ज़ैनब आ गई कितना मातम करोगे जुमले ते थोड़े जिथे प्यू खलो के पर्दे बनाया 21 साल आई बाद 12 मुहर्रम आई इसे जगह ते शराबी पिया दई बाहर निकलो बावी दिया बहना ओ जिन्ना तमाशा वेखने आ जो तुहाडे शहर मरहबा मेरी सहन इन्होंने कबीरे कबीरे को ना माफ फरमाए मेरे हिस्से की मजलिस हो गई मैं थाई एक यतीमी आलिया का बैन करा आ गई शहजादियाँ इसे दारुल अमीर दारे अमीर के सामने आके महमल रुके रश लग गया शहजाद के घर के सामने शुरफ आए कूफा दिया औरतों का या अली मेहरबानी कर दियाँ की जियारत करवा अलिया दिन थक के आई मैं पुछदा ली टुरदे आलिया के हुजरे च गए ने आलिया शरफ आए कूफा दियाँ औरतं तेरी जियारत करना चाहदियाँ बेटा इजाजत देवां उनके लफ्ज़ ने तले मूँह करके दी बाबा मुहब्बत ना लाइया ने आवन सही लेकिन दो दो तू ज्यादा ना बाबा मैं औरतों का रश वेखा मेरा
ਮਸਤੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਓ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈ ਅਗਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਓ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਹਿਰੀ ਇੱਕ ਵੇਂਟ ਕਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਸਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੰਨਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਕੂਫਾ ਕਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ 40 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਕੂਫਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਸਾਜਿਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹਨਫੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਲੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 70 ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 12ਵੇਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੌਲੇ ਮੁਤਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਫ 'ਚ ਦਸਤਾਰੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਜਿਦ 'ਚ ਅਲੀ ਐਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਦਨ ਮੇਰਾ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਬੇਟੀ ਅਦਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਅਲੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਦਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੇ ਕਲ ਸੋਮ ਆਈ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੀਆ ਬੇਟੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਲੀ ਅਦਨ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਲਸਨੂ ਮੰਗੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਲੀ ਯਦੁੱਲਾਹ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਲੱਭ ਹੱਲਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੇ ਫਰਮਾਇਦੇ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਤਸਲੀ ਮੱਲੇ ਅਮਰੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਚ ਆਏ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਇਬਨ ਮੁਲਜਮ ਮਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਈਦ ਕਰੀਬ ਇਸ ਯਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪੈ ਲਿਆ ਦਿਨ ਜਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਅਲੀ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਮ ਗੂੰਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੜਪ ਅਲੀ ਕੁਲਸੂਮ ਅਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਮੁਸੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਆਏ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਅਲੀ ਕਿਆਮ ਤਕਬੀਰਾ ਤੋਲੇ ਰਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਲਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੀ ਇਸ ਸਫ ਛੋੜੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਤਲੇ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਇਸ ਵਾਇਰ ਕਰੇ ਅਲੀ ਰੁਕੂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਸਤੂਨ ਨਾਲ ਔਰਤ ਲਈ ਅਲੀ ਸਜਦੇ ਸਭ ਰੱਖੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਨਿਆਮ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਲਾਉਣ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾ ਇਹਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੰਦਕ ਅਲੀ ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰਬ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਾਉਣ ਤਲਵਾਰ ਉਤੋਂ ਤਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਇਧਰੋਂ ਬਕਾਏ ਤੋਹੀ ਦੇ ਸਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਸਰ ਚਾ ਇਹ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰਬ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਮੁਰਖੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਬਾਅਦ
अली दा सर इन खुले जिवें कारी दे सामने कुरान हत्ता के पग दो हिस्सों च अद्धा हिस्सा अली दे सज्जे मोंडे ते जान गया पग दा हिस्सा अली दे खब्बे मोंडे ते जान गया शिया सुनिया अंदर दीवार हल गए काबे दियां दीवारां इंदर आड़ावण लग पईआं कायनात ते ज़लज़ला आ गया हर शहीद मकदूल दा पहला वैण या पुत्रां कीते या धीआं कीते तू मुसलमान है मैं सैयद हाँ कुरान मेरे सर ते रख लै पहला शहीद अली है जिदी शहादत दा पहला वैण पुत्रां कीते ना धीआं कीते चौथे आसमान ते जबरील कीते ताजे मलकूत इलाहा के प्यादा अला अन्ना अमीर अल मुमिनीन कद को तिलाओ फरिश्तियां तस्बियां छोड़ो मेरा उस्ताद मारा गया जिबरील लवेण होए फरिश्तियां दे ताज लह गए ने हर कैवेण सुने जिवें अली दियां धीआं सुने कह नहीं सुनिया सहरी दा वक्त है तू सवी रोजेदार बैठे हो जे सहरी आले बर्तन नहीं संभाले आलिया दी चादर ढल के गल आ गई जिबरील लवेण कन्ना ते पे जैनब कलसोम मल दौड़िए कलसोम जैनब अल दौड़िए एक दूजी दे गल पई पा के पईआं दियां ने बाबा ऐसे दिन वास्ते धीआं मदीनियों बुला आफरीन भाई आफरीन भाई शहजादियां दियां चादरां लै पईआं वाल खुल गए परदा हई अली दियां धीआं परदेदारां बाहर निकलन परदा नैण देंदा मुसलियां ते बाण बाबे दी शहादत नहीं देंदी अजीब कैफियत है अली दियां धीआं कदी उस हुजरे च कदी उस हुजरे च कुरान मेरे सर ते रख लै कतार फेरावंदी आई कूफे आलिया नाल लेकिन जदम जबरील दवेन है ना आउन याद आया ना हसन याद आया ना हुसैन याद आया उच्चा वैन करके आ दिए अब्बास जल्दी आ बाबा मारा गे हाय करना भाई अली दियां धीआं दी यतीम सारे पुत्र अली दे जबरील दवेन सुन के हर पुत्र नमाज मुकम्मल करा के सारे पुत्र अली दे अपनी अपनी मस्जिद चो जामे मस्जिद कूफा बाबे दी मस्जिद अल दौड़े ने जिन्ना घरां ते गाजी दा अलम ने ए जुमले दे बाद मैन पता लग वैसे किथे किथे अलम अलग घर आला शिया बैठा है मैन मिंबर दी कसम है सारे पुत्र अपनिया मस्जिदां चो बाबे दी मस्जिद अल इको गाजी है जिहड़ा अपनी मस्जिद छोड़ के मस्जिद अल नहीं गया घर अल गया है गाजी दी पग लथी होई है पैरां च ना लैन कोई नहीं अल्लाह दे जलाल नूं जलाल आया होया है अब्बा जलाल नाल अपने वेड़े दाखल होया दरवाजे च खलोती ज़ैनब सज्जे झणिए कलसोम खब्बे झणिए आलिया पया दी है पक हो गया बाबा मारा गया है अगे जितना जल्दी चोंदाई गाजी मैन वे के मेरा सलाम करदाई अज पहला मौका है मैं खलोती रही हां अब्बास ना रुके ना मेरा सलाम सोना जुड़ पे होते अगला जुमला तो सकी में बर्दाश्त करने उससे जलाल नाल अब्बास तुरदे तुरदे अपने हुजरे चाहे ने अब्बास अपनी तलवार लिए अजे सहरी दा अंधेर आई कद सीधा नहीं कीता या किसे शायर दा रूह मौजूद उस लिखे रख सारा हाथ अब्बा सदे मोंडिया ते रो आखिया उमल बनी ने कह घर सादा ओ बर्बाद कीते वो वन देख कौन लई ने अब्बास एंज वेखे अम्मा दे वाल खुले हो जान मां दी चादर गल पई होई ते रो रो के आदी आई तू ते आदा हावे ओ मैं कर संगना अते अरब दी सुरख जमीन तेरे जींदिया प्यो को थको नहीं ते एक 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 बाबा जी बहन एक होर कर रहा इदू अब्बा तलवार रह के दौड़े आलिया फेरा आधा हाथ पकड़ के आदि गाजी तेन जल्दी बड़ी है ते मेरी इको गल सुन ली जेड़ी हालत चे बाबे नू लै के घर आ देर हो गई ज़ैनब बाहर आवे हाथ बन के आदे बाहर न आवे मैं बाबा हुणे लै के घर जख्मी अली नू जा के पुत्र घर लै आए आके मसलत अली नू लिटाया सारी जिंदगी जेड़ी बाबे तू शर्मांदी रही आई
कैफियत पढ़न वास्ते अजे तक कोई रवायत नहीं बनी। रवायत पढ़ी जा सकती फीलिंग की है, ये पढ़ी नहीं जा सकती, अल्फाज नहीं। ज़हनी सोची बेड़ा है बाबे नु शदीद गरबे वजुल्ला ते खून है, दाड़ी च खून है, चेहरे ते खून है। एक आंदी है अली नु मिलन फिरा सहारा दें दे, अजे ज़ैनब नहीं उठी कलसूम आ जनी। एक जन दिए भिरा उठें दे, दूजी जन दिए भिरा उठें दे। मैंने मिंबर दी कसम सारिया आईया ने अली आदे ने, सारिया धिया आईया ने। मेरी लाहौर अली मलका रुकैया नहीं आई। अली आदे ने मैं वेखा मेरे वेड़े कयामत दा मंजर है, रुकैया दीवाल खुले हुए। रुकैया कोशिश कर दिए मैं बाबे नु मिला, अब्बास हाथ बन किया दे। रुकैया हाले नहीं, हाले हौसला कर, अजय सहरा दिया धिया पैया मिल दिया, असी नौकरानी दी औला।